आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे थ्री फेज चार तार प्रणाली में फेज और न्यूट्रल की पहचान कैसे की जाती है। प्रैक्टिकल का नाम है थ्री फेज चार तार। चार तार का मतलब एक उसमें न्यूट्रल होगा, तीन उसमें फेज हो, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, थ्री फेज फोर वायर प्रणाली या सिस्टम। ठीक है, अब आपके पास थ्री फेज चार तार प्रणाली का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें तीन फेज है और एक न्यूट्रल, और सम्मान मान लो आपके पास कलर कोड हो, इसमें न्यूट्रल की पहचान करनी है और फेज की पहचान करनी, और ये पहचान करने की विधि है दो, कौन कौन सी, एक तो है टेस्ट लैंप द्वारा, दूसरी है वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर। ठीक है, वोल्टेज के मान को चेक करके भी अपने फेज न्यूट्रल का पता लगा सकते हैं या इस सीरीज टेस्ट लैंप से भी। अगर आपको सीरीज टेस्ट लैंप से थ्री फेज चार तार प्रणाली में फेज न्यूट्रल का पता लगाना है तो सिंगल लैंप नहीं लगाना, दो बल्बों को सरणी में जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि डबल फेज दो फेजों में वोल्टेज का मान आता है 440 450 के समथिंग, जबकि एक लैंप की रेटिंग कितनी होती है 250 वाट, 240-50 वोल्ट होती है ना, क्षमता से कोई मतलब नहीं है, 100 वाट का है 200 वाट का कोई मतलब नहीं, वोल्टेज रेटिंग इसकी कितनी है 250 अधिकतम, और इसमें दो फेज आएंगे तो वो क्या होगा डबल फेज होगा, एक बल्ब तो क्या होगा फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको लगाना दो बल्ब सीरीज में। अब आपके पास, पहले आपको ये बता देता हूँ सीरीज लैंप वाली, ठीक है, ये बार बार सीरीज लैंप से ही पूछा जाता है स्किल टेस्ट में। आपको ये चार तार प्रणाली मिलेगी, उसमें किसी भी एक पर लगा लेना दो फेज, कहने का मतलब उसमें न्यूट्रल भी हो सकता है, दोनों फेज भी हो सकते हैं, दो वायरों के अंदर बल्ब अगर फुल जले तो वो दोनों क्या होंगे फेज होंगे, अगर लैंप डिम जलेगा तो एक न्यूट्रल होगा उनमें। ठीक है, अब मैं एक नंबर पे लगाता हूं और दो नंबर पे, लैंप फुल जल रहे हैं, अब ये दोनों क्या है फेज है, एक नंबर दो नंबर फेज, फिर मैं एक नंबर और तीन नंबर पे लगाता हूँ फेज, ये भी फेज हो गया, अब मैं एक नंबर और चार नंबर पे लगाऊंगा तो ये न्यूट्रल होगा। आ गई बात समझ में, जिसके साथ डिम जलेगा वो न्यूट्रल ही होगा। अब ये दोनों के अंदर, एक नंबर दो नंबर के अंदर भी क्या है लैंप फुल जल रहे हैं, तो इसका मतलब एक नंबर दो नंबर फेज है, फिर दो नंबर और तीन नंबर का चेक करेंगे ये भी फेज है, तो तीनों फेजों का पता लग गया। अब अपने चार नंबर जो वायर है उस पर टच करेंगे और एक फेज में करेंगे तो लैंप डिम जलेगा, अब इसके साथ एक न्यूट्रल का पता लग गया, इसके साथ अपने प्रत्येक फेज में चेक करेंगे तो डिम ही जलना चाहिए, जो डिम ही जल रहा है ये भी दिकोण सी हो गई, सीरीज टेस्ट लैंप से अपन थ्री फेज और एक न्यूट्रल का पता लगा। अब लेके आओ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर ले लेना या वोल्टमीटर ले लेना, इसको करना वोल्टेज पे सेट, और वोल्टेज कौन सा है एसी प्रकार का। मल्टीमीटर को पकड़ो, दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है, और उसका मान कितना आएगा 415 से 440 वोल्ट, एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज का मान रहेगा 230-240 वोल्ट। अब मैं एक नंबर पे लगाऊंगा और दो नंबर पे लगाऊंगा, वोल्टेज का मान कितना रहा है 437 का मतलब ये हो गया कि दोनों फेज है, फिर दो नंबर और तीन नंबर पे लगाऊंगा तो ये क्या गया 437 का मतलब है ये भी फेज है, फिर मैं तीन नंबर और चार नंबर पे लगाऊंगा तो एक 252 वोल्टेज 51 वोल्टेज आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो चार नंबर का है ये क्या है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल को तो बना लो कॉमन, और प्रत्येक फेज में वोल्टेज मापो, फेज वोल्टेज आनी चाहिए, इसमें भी 252, दो नंबर फेज में 254, तीन नंबर फेज में 249, तो ये तीनों तो क्या हो गए फेज और ये क्या हो गया न्यूट्रल। इस प्रकार आपको दोनों विधि से फेज और न्यूट्रल की पहचान करनी है। आ गई बात समझ में, ये प्रैक्टिकल हर बार प्रत्येक स्किल टेस्ट में कोई भी डिपार्टमेंट हो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको मल्टीमीटर नहीं दे सीरीज टेस्ट लैंप दे दे तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल और है, सीरीज टेस्ट लैंप से ही आपको सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल का पता लगाना है। अगर आपकी वायरिंग में न्यूट्रल लगा हुआ है, एक अर्थ लगा हुआ है, तो आप फेज न्यूट्रल का आसानी से पता लगा सकते। आपको सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल का पता लगाना हो तो किस विधि से लगाओगे, एक तो टेस्टर विधि से, अपने पास टेस्टर होना चाहिए, और टेस्टर लगाकर जिसमें टेस्टर जलता है वो कौन सा हो जाएगा फेज हो जाएगा, जिसमें टेस्टर जल रहा है फेज हो गया, और बाकी दूसरा कौन सा होगा न्यूट्रल, ये जो बड़ी पिन है मोटी पिन है ये हो जाएगी अर्थ की। और आपके पास टेस्टर नहीं है तो आप सीरीज टेस्ट लैंप से भी पता लगा सकते हैं, वो किस प्रकार लगा सकते हैं, एक तो लगाना है आपको फेज में और एक लगाना है न्यूट्रल में। लैंप जल रहा है क्या, नहीं जल रहा, क्यों नहीं जल रहा, जल रहा है ना, फेज और न्यूट्रल के बीच में भी जलेगा और फेज और अर्थ के बीच में भी जलेगा, ठीक है, जबकि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में लैंप नहीं जले। अब मान लो कि ये एक वायर है, इसका ये पता नहीं ये फेज है कि या न्यूट्रल है,
किसी भी एक खांचे में अपन क्या लगा लेंगे लैंप को, दूसरा अपन अर्थ को टच करेंगे तो लैंप जलना नहीं चाहिए। अगर न्यूट्रल होगा तो लैंप नहीं जलना चाहिए। अपने यहां से हटा करके दूसरे इस खांचे में लगाते हैं, लैंप जल गया। तो ये क्या है कि फेज के साथ और अर्थ के साथ अपन ये लैंप जलना चाहिए, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में ये लैंप नहीं जलना चाहिए। तो आपको ये पता लग गया कि इसमें फेज कौन सा है, ये जो लैंप जल रहा है ये तो फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। लगा सकते हो पता, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, थ्री फेज का और सिंगल फेज का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।